हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभिजीत लेक्चरर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 दोस्तों हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल दोस्तों मॉडल पेपर दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, जो भी छात्र क्लास 10 में और 2024 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाला है दोस्तों, उनके लिए आज की वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, अगर चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए दोस्तों, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों यह आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल मॉडल पेपर है दोस्तों, क्लास 10। देखिए, क्लास 10 दोस्तों 2024 बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है दोस्तों, और विषय देखिए हिंदी खंड अ है दोस्तों, बहुत ही वायरल है। इसको आप लोग तैयार कीजिए, आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2024 में। दोस्तों आइए पेपर को देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया समझाएंगे। आप लोग वीडियो क्लास 10 जरूर देखिएगा अगर आप लोग टॉपर बनना है दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोग को क्लास 10 हिंदी में टॉपर बनना है तो आप लोग को वीडियो पूरा देखना होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट। समय 3 घंटे 15 मिनट, आप लोग को सही पता है कि समय 3 घंटे 15 मिनट होता है दोस्तों। पूर्णांक 70 मार्क्स दिया गया है, और निर्देश देखिए, निर्देश पढ़ते हैं। सबसे पहले निर्देश पढ़ेंगे दोस्तों। निर्देश क्या दिया है देखिए, निर्देश दिया गया है दोस्तों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, और प्रश्न पत्र दो खंड तथा अ तथा खंड ब में विभाजित है। खंड दो खंड में विभाजित आप लोग का पेपर दोस्तों, खंड अ और खंड ब, और आप लोग को स्टार्टिंग के 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया गया है दोस्तों। तीसरा है प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। आप लोग को OMR शीट दी जाएगी, उस पर आप लोग को करना है दोस्तों। आप लोग को सारा निर्देश वहाँ पर दिया जाएगा OMR शीट वाला। चौथा है खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है दोस्तों। बहुविकल्पी प्रश्न एक मार्क्स का आप लोग का आएगा। पांचवा है OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर का प्रयोग आदि न करें। आप लोग को व्हाइटनर, इरेजर इस सबका प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। लास्ट है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं दोस्तों। सादे क्वेश्चन के सामने उसका अंक दिया गया है दोस्तों। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर दिया गया है, पूरा दिया गया। देखिए सबसे पहले 20 मार्क्स, आप लोग का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो बहुविकल्पी प्रश्न से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय जी किस युग के लेखक हैं? जो बाबू गुलाब राय जी हैं वो किस युग के लेखक हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला भारतीय तेंदु युग, या द्विवेदी युग, या शुक्ल युग, या शुक्लांतर युग। तो इसका आप लोग को सही आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका आप लोग का सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, शुक्ल युग। बाबू गुलाब राय जी शुक्ल युग के लेखक हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा देखेंगे, चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है दोस्तों, कि कवि की रचना है दोस्तों, कि नाटक की रचना है, कि कहानी की रचना है दोस्तों। इसका आप लोग का आंसर बताना है दोस्तों। इसका आप लोग का सही आंसर है दोस्तों, निबंध विधा की रचना है। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे को तैयार कीजिए अगर आपको दोस्तों टॉपर बनना है तो। प्रश्न तीसरा देखेंगे, गबन किसकी रचना है? जो गबन है वो किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, कि निराला जी की रचना है, या तो हरिकृष्ण प्रेमी जी की रचना है? तो सभी पता है जो गबन है वो किसकी रचना है दोस्तों, जो गबन है वो आप लोग का मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। इसको आप लोग तैयार कीजिए दोस्तों। चौथा दिया है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? शुक्ल युग की समयावधि दोस्तों पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, समयावधि पूछा जाता है दोस्तों। तो इसका आप लोग का जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही है, 1919 से 1938 तक। ये आप लोग का चौथा क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। सारे क्वेश्चन एक मार्क्स के हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तैयार कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए अगर आप लोग को दोस्तों टॉपर बनना है तो। पांचवा प्रश्न देखेंगे दोस्तों, नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है, आत्मकथा की रचना है, या कि आप लोग का साक्षात्कार की रचना है, या कि रेखाचित्र की रचना है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आप लोग का जो सही आंसर है दोस्तों, आत्मकथा की। जो नील का निर्माण है, नील का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप लोग तैयारी कीजिए। प्रश्न संख्या छठवां देखिए, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? जो प्रिय प्रवास है दोस्तों वो किस युग की रचना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है दोस्तों, इसका आप लोग का जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युग की दोस्तों रचना है दोस्तों। सारे को तैयार कीजिए, सारे क्वेश्चन एक एक मार्क्स देखिए, सारे क्वेश्चन एक एक मार्क्स से दोस्तों पूछे गए हैं। सातवां देखेंगे दोस्तों, सातवां, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला दोस्तों किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, कि हरि औध की रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, कि सुमित्रानंद पंत जी की रचना है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का। जो सातवां है उसका सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है दोस्तों। आठवां प्रश्न देखिए, भारत भारती किसकी रचना है?
तो जो भारत भारती है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है दोस्तों। अब नवा प्रश्न पूछा गया, आधुनिक काल कब से कब तक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ये आप लोग का, ये वाला आप लोग का सही है दोस्तों, सॉरी 1843 से अब तक दोस्तों, ये आप लोग का सही है। अब देखेंगे दसवां प्रश्न, मतीराम किस युग के कवि थे, मतीराम किस युग के कवि हैं दोस्तों, काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग की तैयारी कीजिए। तो रीतिकाल युग के कवि, ये आप लोग का गद्यांश और पद्यांश वाला खत्म हो गया दोस्तों। अब व्याकरण का आप लोग का आएगा, 10 हो गया, व्याकरण का स्टार्ट करेंगे 11 से। तो व्याकरण में क्या क्या पूछा जाता है, हास रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास रस का स्थायी भाव हास होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है। बारह प्रश्न, सोहत उड़े पीत पर श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैल पर आपत पयो प्रकाश, उपरोक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार है। तो सोहत उड़े आप लोग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग का एक है, इसमें से प्रश्न एक बनते हैं दोस्तों, तो इसका सब आप लोग का सही आंसर है उत्प्रेक्षा अलंकार है दोस्तों इसमें। और तेरह प्रश्न पूछा गया, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो रोला छंद में दोस्तों कुल चार चरण होते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एक एक मार्क्स से दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं। चौदह प्रश्न देखिए, आकर्षण, चौदह प्रश्न पूछा गया, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है दोस्तों, तो आकर्षण शब्द में दोस्तों किसका उपसर्ग का प्रयोग किया गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट उपसर्ग है तो स्टार्टिंग का आ लगा है दोस्तों, तेरह का सही हो गया। पंद्रह, प्रत्यय में कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो प्रत्यय में भेद पूछा गया है, तो प्रत्यय में आप लोग के दो भेद होते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। सोलह प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में कौन सा समास है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग का दो समास बनना है, मगर ये आप लोग का क्वेश्चन लग रहा है नहीं आएगा, क्योंकि ये बाहर से पूछा गया है, बोवरी समास जो कि आप लोग के सिलेबस में नहीं है दोस्तों। आंसू का तत्सम तत्सम शब्द पूछा गया है दोस्तों, आंसू का तत्सम रूप क्या होता है, आश्रु होता है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही है दोस्तों। अठारह प्रश्न देखिए, यण संधि का सूत्र है, तो यण संधि का सूत्र क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आप लोग का, इको यणची आप लोग का सही है, ऑप्शन नंबर सी। उन्नीसवां प्रश्न देखिए, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है, ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। बीसवां प्रश्न पूछा गया है, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष क्या है, ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग को टॉपर बनना है तो आप लोग को सारा क्लियर करना होगा। बी वाला प्रथम पुरुष एक वचन, ये आप लोग का सही है, सारे क्वेश्चन दोस्तों एक एक मार्क्स के हैं, 20 नंबर आप लोग का यहाँ पर खत्म हो गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग तैयार कीजिए, अच्छे मार्क्स लाएंगे दोस्तों। अब देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न, तो वर्णनात्मक प्रश्न 50 नंबर के पूछे जाते हैं दोस्तों, कितने नंबर, 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वर्णनात्मक प्रश्न 50 नंबर के हैं, तो वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब आप लोग का है, तो स्टार्टिंग करेंगे। क्या पूछा गया है, प्रश्न एक, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, किसी तीन प्रश्नों का आप लोग का उत्तर देना है, जो कि दो दो मार्क्स के हैं, छः मार्क्स के आप लोग का पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, गद्यांश दोस्तों पूछा जाएगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आगे देखिए, ये देखिए तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, तैयारी कीजिए इन तीन क्वेश्चन पर, इसको पढ़ेंगे इसका आंसर ऑटोमेटिक दोस्तों आप लोग को मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मिलेगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और गद्यांश के रेखांक अंश की व्याख्या कीजिए, लेखक के अनुसार समाज में क्या पूछा गया दोस्तों, विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की और क्या आकर्षित होते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, नहीं आ रहा है दोस्तों अथवा करके दिया गया है, अथवा करके इसको भी आप लोग कर सकते हैं। सेकंड प्रश्न देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सेम प्रोसेस 6 मार्क्स का आप लोग का पद्यांश में है दोस्तों, नहीं आ रहा है अथवा करके दिया गया, इसको भी आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। प्रश्न तीसरा देखिए, क्या पूछा गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, किसी का दोनों में से दोस्तों, या तो ये कीजिए दोनों में से कोई एक हिंदी में आप लोग को अनुवाद करना, ये कीजिए या तो दोस्तों आप लोग ये कीजिए। अब आगे चौथा प्रश्न दिया, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, सेम प्रोसेस आप लोग का, ये 5 नंबर का है दोस्तों, तो ये आप लोग का देखिए, आप लोग इसको दोनों में से कोई एक ही करना है, 5 मार्क्स गए, दोनों में से कोई एक कीजिए अथवा बीच में दिया गया, देखिए दोस्तों। पाँचवा प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पाँचवा प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न संख्या 5, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, खंड काव्य है दोस्तों, जो भी जिले का आप लोग का है उसको आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, पूछ लीजिएगा अपने टीचर से कि मेरा कौन सा खंड काव्य, आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा, 3 मार्क्स का खंड काव्य आता है, कोई का हार्ड नहीं होता है, आप लोग आसानी से कर लेंगे इसको दोस्तों। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा मार्क्स वाले, प्रश्न संख्या 6, दिए गए लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए, किसी एक का जीवन परिचय और उसकी रचना लिखनी है दोस्तों, 3 मैं आप लोग बताया था, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, सेम 5 दोनों आप लोग का वही है दोस्तों, मैंने कहा था राजेंद्र प्रसाद जी का इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद जी का इंपॉर्टेंट है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इंपॉर्टेंट है, और ये भी दोनों आप लोग बताया था कि आप लोग सुमित्रा पंत जी का या तो आप लोग तुलसीदास जी का तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर से आप लोग का कुछ नहीं आएगा, इसको तैयार कीजिए, 10 मार्क्स आप लोग घर ले जाइए, मैंने कहा था सेम ही है दोस्तों, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से
कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे, कोई आप लोग को एक श्लोक लिखना है, 2 मार्क्स का श्लोक है, कोई श्लोक तैयार कर लीजिए, छोटा बड़ा कर सकते हैं। प्रश्न के 8 निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, किसी 2 प्रश्न का उत्तर आप लोग को संस्कृत में देना है। आप लोग का 2 मार्क्स का है, 4 नंबर ले जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 4 निबंध दिया गया है, जैसे पहला है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंक कारण एवं निवारण, और जनसंख्या लाभ हानि, और नारी शक्तिकरण। 9 मार्क्स के प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसको कर सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। 9 मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा नंबर वाला प्रश्न यही है दोस्तों, इसलिए आप इसको आप लोग जरूर जरूर तैयार करेंगे दोस्तों। ये आप लोग का पेपर था दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर जरूर तैयार कीजिए, क्योंकि यही आप लोग का पैटर्न है, इसी पैटर्न से आप लोग का बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा दोस्तों। ये आप लोग का UPMSP से आप लोग का पेपर लिया गया है 2024 बोर्ड एग्जाम का, इसलिए मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कीजिए अच्छे से, अगर दोस्तों आप लोग को टॉपर बनना है तो दोस्तों। दोस्तों आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।